आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। बाइक को में से पेट्रोल निकाल के लाए, इन्होंने हमारे घर में डाला है जिसमें कीमती सामान था, केस से जुड़े हुए पेपर सब जल गए, बिल्कुल खाक हो गए। वापिस लेने की वजह से कि मुकदमा वापिस लो वरना जान से जाओगे। पथराव कर रहे हैं तो मैं वीडियो बनाने लगी तो ईट मेरे लगी आके, एक दूसरी बहन के लगी, वो भी खड़ी थी। वो सिलेंडर फटने वाला था, गाड़ी भी बहुत देर में आई, हमने को इतने सारे फोन किए, हमने 181 112 पे पुलिस जब आई जब पूरा घर राख हो गया। चल त्रिलोकपुरी के 32 ब्लॉक में अभी मैं मौजूद हूँ और मैं आपको बता दूं कि एक घर है जिसको अब जला के राख कर दिया गया। जी हाँ, मैं आपको पूरा मामला बता दूं कि एक जो शख्स मेरे साथ मौजूद है, इनका कुछ केस चल रहा था तो जो दूसरी पार्टी होती है इनको केस वापस लेने के लिए बोलती है, इनको इनके साथ पहले भी मारपीट की जाती है पर जब ये केस लेने से मना कर देते तो उनके घर पर पहले पथराव किया जाता है और फिर घर पर आकर घर का पूरा सामान जला दिया जाता है। आखिर क्या था पूरा मामला जानते, क्या नाम है भैया आपका? मैम मेरा नाम शाहनवाज है। शाहनवाज जी, ये बताइए कि पहले कोई केस था जिस आपने बताया कि उस केस को आपने वापस लिया तो जिसके बाद से ये हादसा हो गया? जी मैम, हमारी बहन की शादी थी नसरीन की, तो वो लॉकडाउन की वजह से कैंसिल हो गई थी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से रिश्ता ख़त्म हो गया था। मार्च 2020 में शादी थी, हमने नाजिम को 70,000 रुपये टेंट के लिए दिए थे जो कि उसने वापस नहीं करे हमें और हमें धमकाया कि आप चले जाओ, पैसे नहीं मिलेंगे 1 रुपये भी। इसकी शिकायत हमने थाना मयूर विहार में करी तो इन्होंने यहाँ पे हमारे घर पर तोड़फोड़ करवाई। उसका केस जो है वो हाईकोर्ट पहुँचा, इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए। हाईकोर्ट के आदेश ये थे कि आप इनके पैसे दो और जब भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा। अब इन्होंने पैसे तो दिए नहीं, हम पर दबाव बनाया, हमारी कई बार दुकान तुड़वाई, हम रेहड़ी पटरी लगाते हैं पैसे दे के लोगों से। इनका सट्टा चलता है यहाँ पे नाजिम का, रहता है 30 ब्लॉक में, बदमाशी इसकी 32 में चलती है और इसके ही कहने से सब कुछ हुआ है हमारे साथ में जो हुआ है। इसने ये कहा है कि मैं सेफ हूँ, मैं कैमरे के सामने रहूँगा और मैं कुछ भी करवा दूंगा तुम्हारे साथ, मेरा कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो इसने हमारे साथ 2-3 बार मारपीट करवाई। इससे पहले हमारी पिछले महीने में स्कूटी तोड़ी, हमने इसकी सूचना जो है SCP साहब, SHO साहब, सबको, DCP मैडम को भी दी। तो ये हमारे साथ हो ही रहा है पिछले 2 साल से। अच्छा, लेकिन क्या हुआ ऐसा कि घर आकर जला दिया, महिलाओं पे पथराव किए गए हैं? मैडम कल जो इनका एक भाई है रिजवान बांडा, नाजिम ने यहाँ भेजा उसे कि इन्हें डरा जाके, ये इसे केस वापस नहीं ले रहे, तो वो यहाँ कट्टा वट्टा लाया हमें दिखाने लगा, उसे हमने उसकी आंखों में मिर्ची डाली और उसे हमने दबोच लिया, पकड़ लिया हमने उसे, उन्हें बचाव किया और उसने हमारे ईंट मारी, पत्थर मारे, लेकिन हमने छोड़ा नहीं, उसे अपने घर में ही बंद कर लिया। हमने पुलिस को बुलाया, उसे सही सलामत पुलिस के हवाले किया। अब उसमें ये क्या होता है कि हम थाने में गए, FIR हुई, बांडे को पकड़ लिया पुलिस ने। अब ये रात में प्लानिंग बना के पूरी कि आज इन्हें सबको जिंदा जलाएंगे हम पूरी। नाजिम ने कहा कि जाओ मैं देख लूंगा जो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कि मेरे वकील है बहुत बड़े बड़े, पैसा बहुत है मेरे पे। तो इन्होंने ये आए पहले पथराव किया, हम खाना खा रहे थे थाने से आके, 9 बजे की बात है, 9:15 की लिखवा कर आए थे आप सभी बैठ के खाना खा रहे? हाँ, हम खाना खा रहे थे, हमें शोर शराबे की आवाज आई, इतने में ये आगे सब डंडे ले लेके पथराव किया। हम ये थे मैम 30-40 लोग थे। अच्छा। इनकी कोई गिनती नहीं थी। अच्छा। हम आज जिंदा हैं इसलिए आवाज उठा रहे हैं, जो हमारा नुकसान हुआ है, जो हमने मेहनत से दहेज इकट्ठा किया था वो सारा जल गया। अब हम ये चाहते हैं कि इनसे हमारे पुलिस द्वारा जो इन पे कार्रवाई की जाए उसमें इनसे ये भी वसूला जाए कि जो नुकसान हुआ वो भी दो आप जी भरपाई। बता दूं कि एक महिला मेरे साथ मौजूद है जिनके आप सर पे देख सकते हैं कि पथराव किए गए थे और मैं आपको बता दूं कि 30 से 40 लोग आए थे घर पे और अचानक से ही पथराव करने लग जाते हैं। ये पहले ही पुलिस में FIR दिया था पर पुलिस ने अभी तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं। क्या नाम है आपका? नसरीन। नसरीन जी, बताया कि आप ऊपर खड़े थे जब ये पथराव करते, आपके भी सर पे पत्थर लगा था? जी। अच्छा, पथराव करते ईंट लगी थी हमारे। अच्छा, ईंट लगी थी। कितने लोग थे? ये थे 40-50। अच्छा, घर में आके सीधा उन्होंने तेरा वो फेंका था? तेरा नहीं, पहले बाहर से पथराव किया है उन्होंने। अच्छा, हाँ, हम खाना खा रहे थे। अच्छा, तो ऊपर गए हम, देखा हम पथराव कर रहे हैं तो मैं वीडियो बनाने लगी तो ईंट मेरे लगी आके, एक दूसरी बहन के लगी, वो भी खड़ी थी। अच्छा, हाँ, तो फिर उसकी थोड़ी देर बाद
आगे इधर गली में पथराव करते करते यहाँ से कूलर गिराया, उन्होंने पेट्रोल छिनक कर आग लगा दी। अच्छा, आग लगा दी। हाँ, फिर अपना बचाव करके हम सबसे ऊपर छत पर गए। आपको बता दूं कि माता जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी गुलशन। हाँ, कोई बात नहीं। गुलशन जी, ये बताइए कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है, मेहनत की कमाई होती है, सालों की कमाई होती है लड़की की, आप बताए, शादी भी है, घर में पूरा सामान जला डाला, और ना ही पुलिस अभी आरोपियों को पकड़ रही है। अभी चलो वो फरार है, लेकिन पुलिस को उनके घर आने चाहिए, उनका पता एड्रेस तो इनके पूछना चाहिए। और इनके यहाँ से दो लेडीज़ भी थी जिन्होंने जब हम थाने से आए इनको खबर दी, सामने घर है, एक नाजिम की बहन है यास्मीन नाम है, सामने रहती है, उसने बताया कि ये लोग थाने से आ गए, अब इन पे हमला कर दो। और नाजिम की मौसी थी, उसके मौसी के लड़के भी थे, सामने घर है हमारे, और क्या कहते हैं, उसके बाद ये हमला थाने से आने के 10 मिनट बाद हुआ। हम 9 बजे यहाँ आए वहाँ से मयूर विहार थाने से कंप्लेंट करके, और हमने, मेरे को डर लग रहा था, मैं सर वो ऐसे लोग हैं सट्टे वाले, SHO सर दो पुलिस वाले भेज दो, तो उन्होंने IO से कहा जिसके हाथ में विवेक के केस है कि IO तुम जाओ और दो पुलिस और ले जाओ। और इनके साथ उन्होंने कहा, IO ने सर हाँ मैं चला जाऊँगा, हमने कहा सर चलो, कि तुम चलो मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा मेरा मन घबरा रहा है, वो क्रिमिनल लोग हैं, सट्टे गैंग हैं नाजिम की, क्योंकि यहाँ 8 कांड हो चुके हैं एक साल के अंदर। अच्छा, सट्टे वालों ने 8 कांड कर दिए। अच्छा, ये नवा वार हम पे करा। आग इतनी तकड़ी लगी, ये बहन तो बेहोश हो गई, दम घुट गया था, DCP सर आए, उन्होंने अपनी गाड़ी में डाला। अच्छा, कल लाल बहादुर गए थे मुझे लेके DCP एम्बुलेंस में। अच्छा, हाँ, तो मुझे वहाँ एडमिट भी किया था, MLC हुई है मेरी वहाँ पर। अच्छा जी, तो जब आप घर पे ऊपर ही थे? हाँ, हम सब जैसे हमें पता चला ना सब पथराव करने आ रहे, हमने जीने की कुंडी लगा ली अंदर से, फिर इन्होंने आग लगाई, धुआं आया, हम जल्दी जल्दी बराबर वाली छत पे कूदे, बच्चों को, छोटे छोटे 3 महीने का बेटा है सिस्टर का, ये 4-4 साल की 2 लड़कियां हैं, उनको जल्दी जल्दी हमने उनको भगाया, हमने उतरे उनको सबसे उनको भगाया हमने छत पे से, इतने में वो सिलेंडर फटने वाला था, गाड़ी भी बहुत देर में आई, हमने इतने सारे फोन किए, हमने 181-112 पे पुलिस जब आई, जब पूरा घर राख हो गया चल के। का नुकसान हुआ होगा क्योंकि दहेज का सामान भी बताया जा रहा, सोना चांदी सब यही था मेन जो, सब यहाँ था, शादी का दहेज, चीज, जेवर, पैसे, ऑफिसर आए थे वो चेक इन वाले, इतने सारे नोट 500 के सब वो लेकर गए। हाँ, ऐसा ही पुलिस कार्यवाही करेगी, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं करी, इनके कात निकाले जाए, पूरी वीडियो इनकी पथराव करते हुए, पूरी वीडियो हम ऊपर से बना रहे थे, इसके ऊपर हमारे ऊपर पत्थर मारेगा। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगी और दिखाएंगी कि कितने सारे यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं, इनके घर पे पथराव कर रहे हैं, पर अभी भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि इस घर को पूरा राख कर दिया गया है, जो आरोपी है उन्होंने पहले ही धमकी दी थी कि इस घर को राख कर देंगे, सारे सबूत मिटा देंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस घर को के सारे सबूत यहाँ पर मिटा दिए गए हैं, अलमारी थी वो पूरी जला दी है, जितने भी जेवर थे पूरे इनके जला दिए हैं, काफ़ी कैश बताया जा रहा था वो भी इनका जला दिया है। उनका ये कहना है कि अभी भी इनको जान का खतरा है, जो डॉक्यूमेंट्स है जिस पे इनका केस दर्ज था पुराने वाला, वो भी जला दिया है, और अभी तक इनका ये कहना है कि मुझे जान का बहुत खतरा है, पर अभी भी प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही है। देखते हैं कि पुलिस कार्रवाई कब करती है, क्योंकि ढिलाई किस तरह से कर रही है, आपने देख ही लिया कि पूरा घर जला के चला जाता है, ना ही पुलिस टाइम पर आती है, और ना ही एम्बुलेंस टाइम पर आती है, और ना ही जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो टाइम पर आती है, जिससे आप लगा सकते हैं कि प्रशासन कितना हमारा ढीला है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।